किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे फैसले हों आपके पक्ष में, तो ऊपर वाले की तस्वीर लगाइए अपने मन के कक्ष में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज की कहानी जिसने लिखी है वो कहते हैं कि मैं दफ्तर से अपने घर पहुंचा था, रात के 9:30 बज रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऑफिस की कार से जो ड्राइवर था वो मुझे छोड़ के जा चुका था। मैं घर में पहुंचा तो अचानक सरदर्द बढ़ गया। घर में मेरे सिवा कोई था नहीं, बीवी बच्चे अपने नानी के यहाँ गए हुए थे। तो मैं दवाई ढूंढने लगा सरदर्द की, लेकिन मुझे मिली नहीं। मैंने सोचा पास में दुकान है, जाकर के ले आता हूँ। बाहर निकला तो बारिश थोड़ी बढ़ चुकी थी, गाड़ी थी नहीं, ड्राइवर था नहीं, तो मैंने रिक्शे वाले को आवाज़ दी। वहीं पास में मंदिर का काम चल रहा था, उसमें वो रिक्शे वाला जो था वहीं मंदिर के ही जो प्रांगण था उसमें ही वो रहता था और सुबह शाम रिक्शा चलाता था। रिक्शे वाले भाई साहब मेरी तरफ आए, मैंने उनसे कहा कि दवाई की दुकान तक चलना है। उन्होंने कहा ठीक है, 50 रुपये मुझे बताए। हम चल दिए, लेकिन वो रिक्शे वाले को मुझे देख करके लग रहा था कि बंदा बड़ा परेशान है, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो मैंने पूछा कि भाई साहब क्या बात हो गई। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन से शरीर में दर्द है, हल्का हल्का बुखार है, लेकिन क्या करें, कोई सवारी नहीं मिल रही है, पैसे मिल नहीं पा रहे हैं, दवाई खरीद नहीं पा रहा हूँ। भगवान से पूजा पाठ में बस कहता रहता हूँ कि आप ही देखो। इसी उधेड़ बुन में हम पहुँच गए दुकान तक। मैं उतरा और दवाई की दुकान की तरफ गया तो फटाफट से अपने लिए दवाई ली और उन रिक्शे वाले भाई साहब के लिए भी दवाई ले ली। सर दर्द तो मुझे हो रहा था, उनको बुखार था, दोनों की दवाइयाँ मैंने लेकर के अलग अलग पैकेट बनवा लिया। और मैं सोचने लगा कि ये जो भाई साहब हैं, क्या इनकी मदद के लिए मुझे भगवान ने भेजा। ये सब सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि मुझे भी तो खाना खाना है, खाना तो पैक करवाना पड़ेगा, अब हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। तो पास ही में एक रेस्टोरेंट था, मैंने रिक्शा वाले भाई साहब को इशारा किया कि रुके रहना, मैं आता हूँ। रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में अंदर जाकर के मैंने अपने लिए छोले भटूरे पैक करवा लिए, एक पैकेट रिक्शा वाले भाई के लिए पैक करवा लिया, मुझे लगा था कि शायद भूखा होगा। दोनों पैकेट पैक करवा करके दवाई खाना सब लेकर मैं पहुंचा, रिक्शे में बैठा, बातचीत करते हुए थोड़ी और रिक्शा वाले भाई साहब के बारे में जानकारी जुटाते हुए पहुंच गए वापस घर तक। घर के वहां जब उतरा तो रिक्शा वाले भाई को मैंने 100 रुपये का नोट दिया। उसने कहा अरे 50 ही बनते। मैंने कहा नहीं, रखो रखो, चिंता मत करो, ये दवाई का पैकेट रखो, एक गोली अभी, एक गोली सुबह, एक एंटीबायोटिक भी अभी और एक एंटीबायोटिक सुबह। सारा उनको कोर्स समझाते हो कि 3 दिन का कोर्स है, आप ले लेना, आप ठीक हो जाओगे। और ये आपके लिए छोले भटूरे का पैकेट, पहले खाना खाना, फिर दवाई लेना, फिर सो जाना, सब अच्छा होगा। जब मैं बोल रहा था तो भाई रोता जा रहा था। मैंने कहा क्या बात हो गई। तो रिक्शा वाले भाई ने कहा कि आपको पता है मैं भगवान से कहता था कि कोई अच्छी सवारी भेजो जो मेरी मदद कर दे, आज उन्होंने आपको अपना दूत बना के भेज दिया। मैं उनसे कहता था मेरे लिए दवाई का इंतजाम करवा दो, शरीर में बड़ा दर्द रहता है, आपने दवाई दे दी। और मेरी कई दिनों से इच्छा थी, कई महीनों से, कि मुझे छोले भटूरे खाने को मिले। आज आप छोले भटूरे लेके आ गए, मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था। सब वो करवाता है, वो प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा, ऐसा कहते जा रहा था। और मैं सोचते जा रहा था कि मैं जिस रेस्टोरेंट में गया वहां मेन्यू में इतने सारे ऑप्शंस थे, थाली थी, समोसा था, कचौरी थी, डोसा था, सब था, मैंने छोले भटूरे क्यों उठाए। शायद वो अपने भक्त की इच्छा पूरी करवाना चाहता था। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन सार ये है कि जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी में हो तो घबराना मत, उस पर विश्वास रखना। वो अपने बंदे को, बंदी को, अपने दूत को, अपने सच्चे भक्त को आपके पास में जरूर भेजेगा और आपकी मदद करवाएगा। वो आपके पास किसी न किसी रूप में चले आते हैं, कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।